अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज। आज का जो हमारा वीलॉग है ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर है। आज जिस टाइम मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, इस टाइम आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई भी ऐसा आदमी किसी भी चोर वगैरह को कभी भी नहीं पकड़ेगा। वो ये सोचेगा कि यार आज मैंने इसको पकड़ लिया तो कल को ये फिर मेरे ऊपर आ जाएगा, और ये पाकिस्तान का निज़ाम इसी तरह चलता जाएगा। और अगर आप एक सर्वे करवाएं तो पाकिस्तान के 70% लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर वाले मुल्क में जाना पसंद करेंगे, और 30% मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अशराफिया पहले ही बैठी हुई है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें से मैं कुछ मसाइल आपको बयान कर देता हूं कि पहले नंबर पे जो है वो है हेल्थ इशू। हेल्थ इशू हमारे यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनमें ये है कि आपको एक बेड के ऊपर दो दो मरीज नजर आएंगे क्योंकि हेल्थ इशू है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में पीने का साफ पानी नहीं है। आप कोई भी किसी भी जगह पे आप चले जाएं, वहां पे आपने कोई चीज खा ली है वो बीमारियों से बरी होगी। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जॉब इश्यूज पाकिस्तान के लोग इतनी बड़ी बड़ी तालीम याफ्ता होने के बावजूद, तालीम हासिल करने के बाद, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल करने के बाद, उनके पास कोई जॉब ही नहीं है। इधर उधर देख रहे हैं कि हाँ भाई शायद किधर जॉब लग जाए, अगर जॉब मिल भी गई है तो उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो चोर बैठे हुए हैं, तो वो उनकी जो एजुकेशन है उससे भी वो कंप्रोमाइज किया हुआ है। उनको जो वो तनख्वाह वगैरह देते हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो। अगर वही आदमी बाहर वाले किसी कंट्री में जाके वहाँ पर चपरासी लग जाए या वहाँ पर जाके वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड लग जाए, तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो उसकी चीफ जस्टिस से बड़ी उसकी इनकम होती है, अमाउंट होती है पाकिस्तान में। तो इसी तरह एक और इशू है यहाँ पे, मसल की इश्यूज हैं। अगर किसी एक मसलक वाले ने किसी दूसरे मसलक वाले के बारे में बात कर दी है या कोई छोटी मोटी बात किसी ने कर दी है, किसी को कोई पता नहीं कौन किसे काफिर कह के मार दे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के भी इशूज़ हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम माचिस की तीली से लेके हम कोई बच्चों का खाने वाला पीने वाला दूध जो है वहाँ तक हम टैक्स दे रहे हैं, हर तरह के टैक्स दे रहे हैं, हर तरह की हम जो फैसिलिटीज़ हैं इन अशराफियों को दे रहे हैं ताकि वो हमारे ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के और हमारे जो टैक्स पे हैं पेड हैं उनसे वो अपने पेट्रोल डलवा के, एसी वगैरह बिजली फ्री करवा के हम पे हुकूमत कर सकें। ये आज का हमारा पाकिस्तान का मौजूदा हालात। इसके साथ ही हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो साथ वाले हमसाए हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। मैं एक आम एग्जांपल देता हूँ चाइना की। आप चाइना की एग्जांपल ले लें यार, वो उसकी जो आबादी है वो 1 अरब से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हालात हैं, और हम जो 25 करोड़ वाला मुल्क है यहाँ पर क्या हालात हैं। आप कभी बाहर निकलें तो आप देखेंगे सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं बेचारे सड़कों पे, यार कोई एक टाइम का खाना ही दे दे। जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां करनी है वो भी सोच रहे हैं कि यार किस तरह हम इनका जहेज पूरा करेंगे। तो मैं आप लोगों से और अपनी हुकूमत से यही दरख्वास्त करूंगा कि अपना नहीं तो ये जो छोटे छोटे हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं इनका देख लें। बाकी तो पाकिस्तानी अवाम जो है इसी तरह ही, इनका कुछ नहीं बनना, 75 साल हो गए, हर कोई आता है लारा लप्पा लगाया वो गया, किसी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, किसी ने कहा हम इस तरह कर देंगे वो कर देंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन यार ये है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए कोई एक एग्जांपल छोड़ दें कि हम इन चोर डाकुओं को ऊपर नहीं लेके आएंगे। जो यहाँ पे जिसे इलेक्ट करेगी पाकिस्तान की अवाम वो ऊपर आएगा। सिलेक्टेड तो बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ ही अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।